हेलो एवरीवन, आज राजस्थान स्पेशल के अंदर वहां के लोक देवता का सेकेंड पार्ट और फाइनल पार्ट को देखेंगे। इसके पहले लोक देवता में जो पंच देवता थे उनको हम लोगों ने देख लिया था। राजस्थान स्पेशल पढ़ने में जो दिक्कत आती है ना, वो खास करके वहां के जो लोकल टर्म्स हैं, लाइक थान, मेला भरना, भोपे, ये सारी चीजें थोड़ी सी मतलब दिक्कत देती है। तो उन सबको समझते हुए चले जाएंगे तो राजस्थान सिंपल हो जाएगा। वैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोक देवता हैं और बहुत सारे लोक देवियां हैं। राजस्थान के कल्चर को अगर ठीक से देखोगे ना आप, तो राजस्थान में जो महापुरुष जैसे लोग हुए उनको देवता का स्थान दे दिया गया, और वहां पे बड़े कॉमन से उस गांव के अंदर, उस इलाके में बड़े फेमस देवता होते हैं, और वो लगभग हर अलग अलग कम्युनिटी के लिए कॉमन होते हैं। जैसे अभी पंच देवता जो आपने देखा, पंच पीर को देखा आपने, उसे मैक्सिमम को हिंदू भी पूजते हैं, मुस्लिम भी पूजते हैं। मुस्लिम अपने अकॉर्डिंग पीर मानते हैं, हिंदू अपने अकॉर्डिंग देवता मानते हैं। तो कुल देवी और कुल देवता का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो राजस्थान के अंदर बहुत अधिक है। उसी के एग्जाम्पल हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं तेजा जी की। तेजा जी की जो फोटो आप देखोगे उनमें ये घोड़ा है उनका इस तरह से, और सूर्य वाला जो सन है वो भी आपको दिखेगा। तेजा जी की बात करें तो तेजा जी नाग वंश के जाट के देव, जाट नाग वंश के जाट में इनका जन्म हुआ था, और बेसिकली जाटों के द्वारा इनको ज्यादा पूजा जाता है। और इनके पिता जो थे वो ताहड़ जी, देखिए यहां पे, और माता राम कुबड़ी है। इनको गौ रक्षक के रूप में माना जाता है, गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो इनको बेसिकली गौ रक्षक और गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनको काला और बाला भी कहते हैं, इनको काला और बाला भी कहते हैं। और गाय की रक्षा करते करते ही इनकी मौत भी होती है, यानी इनको निर्वाण मिलता है। और सुरसुरा एक जगह है किशनगढ़ अजमेर, तो वो सुरसुरा में इनकी डेथ होती है। ये जो डेथ है वो लाछा गुजरी के गाय को छुड़ाते हुए होती है। तो एक मतलब वीरता वाला काम करते हुए इनकी डेथ होती है, और इनको एक ईश्वर का दर्जा वहां दे दिया जाता है। सांप और कुत्ते से काटने पर इलाज होता है इनके नाम से। सांप और कुत्ते के काटने पर तेजा जी के नाम से इलाज किया जाता है। तेजा जी का जो थान है ना, थान का मतलब स्थान, जहां पे मंदिर जो पूजा करने वाले जगह बनाए जाते हैं, दैट इज थान, उसको स्थान भी कहा जाता है। वहां पे मतलब पूरे राजस्थान में ही आप तेजा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। बहुत सारे राजस्थान में उसे सांपों के देवता है, तो खैर तेजा जी को पूजा जाता है। और तेजा जी का जो भी मंदिर बनाया ना कहीं, वहां पे घोड़ा होगा, हाथ में तलवार होगा, तेजा जी खुद होंगे, और पीछे सूर्य की आकृति होगी सन वाला। तो ये वाला डिजाइन ना आपको हर जगह तेजा जी के साथ मिलेगा। अब इसके बाद सांप और कुत्ते काटे पे इलाज होता ही है। इसके अलावा एक और फेमस ये है कि तेजा जी के गीत के साथ लोग खेत की बुआई करते हैं। उनको ये लगता है कि अगर तेजा जी के गीत गाते हुए अगर खेत की बुआई करेंगे तो फसल काफी अच्छी होगी। इनका डेथ हमने देख लिया, सुरसुरा किशनगढ़ के पास हुआ है। सांप और कुत्ते के देवता है। और नागौर जिला के पर्वतसर में, यहां देखो पर्वतसर जो है वहां पर सबसे भारी मेला लगता है। और कब लगता है, तो भाद्र पक्ष यानी भादो में शुक्ल दशमी को। और ये पशु मेला है, बड़ी संख्या में अलग अलग तरह के ऊंट और अलग अलग तरह के जानवर आते हैं, खरीद बिक्री होती है, और इसको वहां पे कहते हैं मेला भरा जाता है। भरा का मतलब मेला लगता है। तो ये वर्ड्स जो है ना कुछ कमांड कर लीजिए। तेजा जी का जो निर्वाण स्थल है, निर्वाण स्थल कौन है, सुरसुरा जहां पे उनकी डेथ हुई थी, तो वहां तेजा जी की जागीर एक तरह से झांकी निकाली जाती है। तो शब्दों का ही खेल है, झांकी निकाली जाती है। इसके बाद जो तेजा जी का, तेजा जी खास करके अजमेर के आसपास ज्यादा फेमस है। और तेजा जी का भोपे को क्या कहा जाता है, तेजा जी के भोपे को घोडला कहा जाता है। ये भोपे क्या है, भोपे एक तरह से पुजारी होते हैं, जो तेजा जी के पूजा मंदिर में पूजा करने वाले जो पुजारी होते हैं, दैट इज भोपे। और ये भोपे वर्ड आपको लगातार आएगा। तो उस तरह के पुजारी करने वाले लोगों को घोडला कहा जाता है, और इनके घोड़े को लीनन कहा जाता है, जिसको सिंगाड़ी भी कहा जाता है। तो इस तरह से तेजा जी एक फेमस देवता है, और इनकी पूजा लगभग सारे राजस्थान में होती। जाट लोग ज्यादा करते हैं क्योंकि नाग वंश के जाट से इनका रिलेशन है, अदरवाइज सबके सब इनकी पूजा करते हैं। इसके बाद देव नारायण जी, देव नारायण जी बहुत ही
मतलब पंच देवता तो है ही है, जिसमें उसके बाद तेजा जी की बारी आती है और उसके बाद एक फेमस देवता में देव नारायण जी की भी बारी आती है। कई सारे रिकॉर्ड है इनके नाम पे ऑलरेडी। तो इनकी अगर हम बात करें तो आसिन भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था और ये भी नाग वंश ही है। मतलब आप बहुत सारे देवता आपको नाग डायनेस्टी से, नाग वंश, नाग डायनेस्टी का मतलब वो वाला नाग नहीं, ये नाग वंश अलग नाग वंश है, ठीक है। मतलब ना जो लिटरली नाग देवता वाला जो वंश है ना उससे रिलेट किया जाता है ये, मतलब ये राजा वाला नाग वंश नहीं, रियली में जो नाग जो हमें नहीं दिखता वो वाले वंश से इनको रिलेट किया जाता है और उस नाग वंश में गुर्जर समुदाय से बिलोंग करते हैं। 1243 में इनका जन्म हुआ था और इनका जो ओरिजिनल नाम है पता है, देव नारायण जी का ओरिजिनल नाम उदय सिंह है और इनकी शादी पिपलदे से हुई थी। ये इसको देखते रहिए, इनकी जो शादी है वो पिपलदे से हुई थी। इनका घोड़ा, इसको लीलागढ़, ये इनका घोड़ा है लीलागढ़ घोड़ा, वो नीला कलर का है, ठीक है, नीला उसको कहते हैं। इन्होंने अपने पिता की, इनकी हत्या कर दी गई थी, यानी उदय सिंह जो देव नारायण जी हैं, तो उन्होंने भिनाय के जो राजा थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे इसको, उसको उन्होंने मार दिया था। और फैक्ट ये है कि इनको बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा के रूप में जाना जाता है, वीर और पराक्रमी योद्धा के रूप में। देहमाली, देवमाली, ब्यावर, अजमेर, यहां पे इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है, यहां पे इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसके अलावा देवमाली को बागड़ावतों का गांव भी कहा जाता है। देव नारायण जी का जो मूल मंदिर है, ठीक है, जिसको देवड़ा कह रहे हो आप, तो देवड़ा कहा जाता है उसको, वो आसिन भीलवाड़ा, आसिन भीलवाड़ा के अंदर इनका मेन मंदिर है गोठा दरावत में। इसके अलावा यहीं पे नहीं है, और भी कई सारे जगह पे मंदिर है, लाइक देवड़े, देवमाली, ब्यावर, अजमेर, देवधाम, जोधपुरिया, निवाई, टोक में भी इनका मंदिर है और देव डुंगड़ी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में भी इनकी मंदिर है। तो ये भी ओवरऑल जो है ना एक फेमस देवता है, बहुत सारे ट्रैक रिकॉर्ड अभी बताया ना मैंने, वो इनके नाम पे है। इनके मंदिर में पता है क्या होता है, इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, कोई मूर्ति नहीं होती, बल्कि एक बड़ी ईंट होती है, उस बड़ी ईंट का पूजा किया जाता है वहां पे बड़ी ईंट होती है, उस बड़ी ईंट का पूजा किया जाता है। चूंकि ये गुर्जर जाति से मूलतः बिलोंग करते हैं तो गुर्जर समुदाय के लोग इनके ज्यादा फॉलोअर हैं, ज्यादा पुजारी हैं, और भी हैं बट गुर्जर ज्यादा हैं। और इन देव नारायण जी को भगवान विष्णु का भी अवतार माना जाता है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं, भगवान विष्णु का भी अवतार माना जाता है। इसके अलावा राज्य की, इसके अलावा इनके साथ एक और है, वो है राज्य की सबसे बड़ी पढ़। अब पढ़ क्या है, मतलब आरती देखते हो ना, या इस बार का गुणगान करने वाली कविताएं होती हैं, दैट इज पढ़, उसको राजस्थान में पढ़ कहा जाता है। तो सबसे बड़ी पढ़ जो है ना वो इन्हीं का है, सबसे बड़ी पढ़ इन्हीं का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत बड़ी कविता है, बहुत बड़ी, मतलब इनका गुणगान करने वाली जो कविता है, आरती है, वो इन्हीं का है, देव नारायण जी का। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जितने लोक देवता है उसमें सबसे बड़ा पढ़ इनका है। इसके अलावा गुर्जर भोपों के द्वारा, भोप आ गया फिर से, भोप आ गया ना, तेजाजी में भोप अभी देखा था ना, भोप का मतलब क्या, उनके पुजारी। तो गुर्जर भोप, पुजारी अक्सर गुर्जर होते हैं, उनके द्वारा जंतरवाद से उनका पढ़ बांचा जाता है। पढ़ बांचने का क्या मतलब है, एक्चुअली यही पर, बस यही वर्ड शब्द रोक देता है, ये वर्ड जैसे खुलेगा ना आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। वहां पे जंतरवाद का यूज गुजरत भोप यानी गुजरत गुर्जर पुजारी के द्वारा किया जाता है और सबसे बड़ी पढ़ यानी सबसे बड़ी आरती या सबसे बड़ा उनके गुणगान करने वाला जो कविता है वो उसी से बांची जाती है। बांची जाति का मतलब गाया जाता है, क्लियर, बांची जाति का मतलब गाया जाता है। इसके बाद जो मेला लगता है वो भाद्र पक्ष शुक्ल छठी और सप्तमी को लगता है। और पता है आपको भाद्र पक्ष शुक्ल छठी और सप्तमी को लगता है, ये मेला जब लगता है ये मेन मेला है इनका। इस समय गुर्जर जाति के लोग उस दिन ना दूध को उबालेंगे ना ही दूध किसी को बेचेंगे, परंपरा है, ना दूध उबालेंगे और ना ही दूध किसी को बेचेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। जो देव नारायण जी हैं, जो देवता है लोक देवता, देव धाम जोधपुरिया बनस्थली के पास है, टोंक है ना जिला, तो बनस्थली के पास टोंक में देव धाम जोधपुरिया में शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है। जो बगरावत है उनके शौर्यों का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही इनको आयुर्वेद का बहुत अच्छा नॉलेज, उसका यूज बहुत अच्छे से करते थे और
मतलब औषधि शास्त्र के ये अच्छे जानकार थे। इतना ही नहीं, 2010 में क्या हुआ, केंद्र सरकार के द्वारा ये एकमात्र ऐसे राजस्थान के देवता हैं। एक तो पहला फैक्ट कि सबसे बड़ा पढ़ इन्हीं का है, एकमात्र राजस्थान के लोक देवता हैं जिनके नाम पे डाक टिकट रिलीज किया गया है, केंद्र सरकार ने किया है, वो भी 5 रुपए का किया है। और जैसे ये देखिएगा, ये भी आपको खूब मिलेगा, सोने और चांदी के फूल बनवाकर पहनते थे। सोने के चांदी के फूल बनवा के पहनने का क्या मतलब, बहुत आसानी से समझ जाओगे। लॉकेट पहना जाता है, कभी देवी दुर्गा का होता है, कभी जो मुस्लिम है वो अपने कम्युनिटी का पहनते हैं, हनुमान जी का लॉकेट होता है, अलग अलग जो लॉकेट, उसी तरह से इनका लॉकेट बना के लोग पहनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जो फूल बनवा के पहनते हैं वो एक्चुअली लॉकेट बनवा के पहनते हैं, अब समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा ये सब जो आप देख रहे हो ना, बात देव जी बगड़ावत री, देव जी री पढ़, देव नारायण का मारवाड़ी ख्यात, बगड़ावत काव्य, ये सारी चीजें एक कविता है, मतलब सब अलग अलग कविताएं हैं जो देव नारायण जी को समर्पित है। इनको चूरमा और खीर का भोग लगाया जाता है, चूरमा और खीर का भोग इनको लगता है, दैट इज देव नारायण जी। तो कई सारे फैक्ट्स मिल गए आपको, ये सारे फैक्ट्स से एक या दो सवाल आ सकता है। कल्ला जी, मैंने बोला ना कई सारे लोक देवता जो है ना वो सीधे सांप के ही, नाग कुल के ही हैं, और ये नाग रोड पर घूमने वाला नाग या नाग वंश वाला नाग नहीं, ये अकॉर्डिंग टू रिलीजन इस पाताल लोक के अंदर, क्योंकि हमारे नीचे पाताल लोक है ना, अकॉर्डिंग टू रिलीजन वहां पे शेष नाग रहते हैं ना, उनका पूरा वंश रहता है, तो वो उस नाग वंश से रिलेटेड है ऐसा कहा गया है। अब लीजिए कल्ला जी को, कल्ला जी वीर कल्ला जी इनको कहते हैं, राठौर, वीर कल्ला राठौर हैं, मारवाड़ के समियाना गांव में राव अचला जी जो मेरता शासक राव दूदा जी के बेटे थे। और एक और फैक्ट अश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था 1544 में, मीरा बाई फेमस, वो इनकी चचेरी बहन, मीरा बाई इनकी चचेरी बहन, तो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कल्ला जी के बारे में। उसके बाद कल्ला जी बहुत ही वीर योद्धा थे, अच्छे लड़ाकू थे, इनके गुरु खुद भैरवनाथ थे। कहा जाता है कई तरह की सिद्धियां इन्होंने ली थी, मतलब तपस्या करके बहुत सारा सिद्धियां इन्होंने अर्जित किया था, और ये बहुत ही वीर थे। ये उदय सिंह के साथ जब अकबर ने अटैक किया था तो उनके पक्ष में लड़ रहे थे, और जैमल और फत्ता का नाम सुना है ना, जो उदय सिंह के सेनापति थे, तो जैमल जब घायल हो गए ना तो इसको इन्होंने कंधे पे बैठा लिया, इन्होंने जैमल को कंधे पे बैठा लिया, और उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। तो अब दो हाथ ऊपर और दो हाथ नीचे नजर आता है, तो इनकी मूर्तियां ये चतुर्भुज रूप में यानी चार हाथों के रूप में ये बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे होगा भी, मतलब इनको शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, चार हाथों वाला लोक देवता कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, कारण जानना है, कारण ये है कि जैमल को इन्होंने कंधे पे बैठा रखा था, जब अकबर ने अटैक किया था उदय सिंह के खिलाफ, जैमल घायल हो गए थे तो उनको कंधे पे बैठाया, जैमल भी अटैक कर रहे हैं और ये भी अटैक कर रहे थे, और इनको चार हाथ वाले लोक देवता शेषनाग का अवतार इनको कहा जाता है, और इनकी पूजा प्राय शेषनाग के रूप में ही होती है, इसी तरह से नाग रूप में इनकी मेनली पूजा होती है। सामलिया क्षेत्र है डूंगरपुर में, तो डूंगरपुर में एक सामिया क्षेत्र है, वहां पे काले रंग की इनकी एक स्टैचू है, मूर्ति है। अब आगे देखिए, तो इनका जो मंदिर है, अच्छा ये इनको जड़ी बूटी का अच्छा नॉलेज, रामदेव बाबा की तरह खूब अच्छा योगा करते थे, और इनके जो भक्त होते हैं वो खास करके संडे को, अलग अलग दिन होता है, जैसे मंडे ट्यूजडे होता है, थर्सडे होता है, ऐसे तो इनके लिए संडे का दिन है। संडे के दिन जो भक्त हैं इनके मंदिर पे, जहां जहां दवाड़े बना हुआ है उन सब जगह पे जाते हैं और वहां जाकर पूजा करते हैं। अब यहां पे देखो क्या है, यहां पर देखिए क्या है, ये जो वीर कल्ला जी हैं, माना जाता है जब मंदिर में भक्त जाते हैं तो वो वहां पे एक मान्यता है, कहते हैं ना ईश्वर देवता आ जाते हैं शरीर पे, देवता शरीर पे आ जाते हैं, तो ये वीर कल्ला जी हैं उनकी आत्मा मंदिर के मुख्य सेवक, उसको क्या कहते हैं, किरणधारी। सुनिए, वीर कल्ला जी के जो मंदिर में उनके मेन पुजारी होते हैं उसको किरणधारी कहते हैं, तो संडे के दिन वीर वल्ला जी उस किरणधारी के शरीर में आ जाते हैं, और शरीर में आके लोगों को जो भी दुख है उसको दूर करते हैं। उसका भी एक तरीका है
ये किरणधारी अब जब इनके शरीर में वीर कल्ला जी आ जाएंगे तो किरणधारी तलवार उठा लेते हैं और उस तलवार के द्वारा लोगों को तलवार टच वच करते हैं और जगह जगह पे कटिंग करते हैं उसी तलवार से, जिससे उनका दुख वो कट जाता है। ये एक मान्यता है, ठीक है, ये एक मान्यता है। इसके अलावा और क्या है, तो उसी के द्वारा सारा उपचार किया जाता है। इसके अलावा कल्ला जी की एक छतरी, छतरी का मतलब होता है समाधि, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी है। चित्तौड़गढ़ का जब दुर्ग जाएंगे ना, चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट आप जाओगे, वहां कई सारे इस तरह से पोल है, गणेश पोल है, भैरव पोल है, तो भैरव पोल पर उनका एक छतरी है। तो कल्ला जी की छतरी भैरव पोल के पास से, ये ध्यान रखना। रनेला, जिसको रुनेला भी कहते हैं, वो इनका एक सिद्ध पीठ है। वहां भी किसी को सांप वाप काट ले, भूत पिशाच टाइप की जो चीजें होती है, तो लोग वहां पे जाते हैं उसको झाड़ फूक करवाने के लिए। तो ये कहानी है कल्ला जी की। तो कल्ला जी के बाद हम लोग बात करते हैं देव बाबा। देव बाबा को की बात करें तो इनको गुजरों और ग्वालों का पालनहार कहा जाता है, साथ में कष्ट निवारक भी माना जाता है। इनको, इनकी मास्टरी जो थी वो आयुर्वेद के अंदर थी, दवाइयों का अच्छा यूज करते थे ये, जानकारी भी थी, जानवरों का अच्छा इलाज करते थे ये, इसी कारण ये सम्मानित हो गए और लोक देवता के रूप में इनका मैंने इनको मान्यता दी गई। भरतपुर के नांगल जहाज गांव में इनका एक मंदिर है, यानी देव बाबा का मंदिर है, जहां भाद्र शुक्ल पंचमी यानी भाद्र पक्ष, इसको भादो का महीना कहते हैं, खूब चलता है हिंदी में वहां, और चैत्र शुक्ल पंचमी को दो बार यानी साल में दो बार मेला लगता है, ये कहने का मतलब है। इसके बाद एक और देवता की बात करते हैं, वो है मामा देव। मामा देव का नाम अगर आपने सुना, देख रहे हैं क्या स्टाइलिश है, एकदम से शानो शौकत के साथ। मामा देव की बात करें तो मामा देव की एक खास खासियत है, एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मंदिरों में मूर्ति वूर्ति नहीं लगती है। ये वो लोक देवता हैं जो मिट्टी और पत्थर की जिनकी मूर्ति नहीं बनती, ये तो अलग है, नहीं बनती है। इनका लकड़ी का एक स्पेशल तोरण बनाया जाता है जो गांव के एकदम एंट्री गेट पर होता है, ठीक है, गांव के बाहर जो मेन सड़क होता है ना, वहां पे एक तोरण बनाया जाता है और इनको गांव के प्रोटेक्टर के रूप में, गांव के रक्षक के रूप में माना जाता है, और इसके साथ ही बरसात के देवता के रूप में भी माना जाता है। तो गांव के अंदर जो एंट्री गेट होता है ना, उसी पे मामा देव के नाम पे एक तोरण द्वार बनता है, कोई मूर्ति नहीं बनती है, और गांव के बाहर के मेन गेट पे होगा, इनको गांव का रक्षक और बरसात का देवता कहते हैं। इनको खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है, खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। एक और देवता है जिनके जिक्र कर लेते हैं, उनका नाम है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी जो थे वो बहुत ही फेमस मारवाड़ के राव तीरा जी के यहां जन्म लिए थे और ये बहुत बड़े भविष्य वक्ता के रूप में जाने जाते थे, यानी फ्यूचर देखने का इनके पास बहुत बड़ा ताकत था और भविष्य को अच्छे से ये देख लेते थे। राठौर वंश के जो संस्थापक है राव चूड़ा, ये मल्लीनाथ जी के भतीजे थे और इनको इन्होंने बहुत मदद किया था। इसके साथ ही ये जो मल्लीनाथ थे, ये निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, समझिए, निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं मल्लीनाथ जी। इनका तिलवारा बाड़मेर में बहुत ही फेमस मंदिर है, तिलवारा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का एक फेमस मंदिर है, जहां पे 15 दिन का टोटल मेला लगता है, वो भी चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला 15 दिन का होता है। इतना ही नहीं, रानी रूपादे हैं, उन रानी रूपादे का भी जो मंदिर है वो तिलवारा से थोड़ी ही दूर पर माला जाल करके एक गांव है, वहां पे उनकी मंदिर है। तो ये भी काफी फेमस देवता में से माने जाते हैं मल्लीनाथ जी। अब आगे बढ़ते हैं और मल्लीनाथ जी के बाद तल्लीनाथ जी की बात करते हैं। देखिए, तल्लीनाथ जी जालौर के इलाके के बहुत ही फेमस देवता है, जालौर के इलाके के बहुत फेमस देवता है, लोक देवता है। इनका रियल नाम मालूम है क्या है? इनका रियल नाम गंगदेव राठौर है, यानी राठौर वंश से हैं, और इनके पिता का नाम बीरम देव है। ये बहुत ही बहादुर और बहुत ही चमत्कारी टाइप के व्यक्ति थे, इनको इसीलिए लोक देवता की मान्यता दे दी गई थी। ये सिरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक थे। अब होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए, उनका जानवर बीमार पड़ जाए, किसी को जहरीला कीड़ा काट ले, ये सब जब स्थिति होती है
तो लोग इनके नाम का डोरा बांधते हैं, यानी इनके नाम का डोरा का मतलब क्या, ये डोरा ही आपको याद करना पड़ेगा, बहुत लोग को नहीं पता है। डोरा का मतलब धागा, जो रक्षा सूत बांधते हो ना, दैट इज डोरा, उसको कहा जाता है, वो डोरा बांधते हैं। और डोरा बांधते हैं, इनकी इनकी मूर्ति है जालौर में, इस मूर्ति में वो घोड़े पर सवार है। तो घोड़े पर सवार बाबा तल्लीनाथ की जो मूर्ति है वो जालौर के पांचोटा गांव के पास पंचमुखी पहाड़ी, ठीक है, पंचमुखी पहाड़ी के में के बीच में ही स्थित है, चारों तरफ पांच पहाड़ है उसके बीच में स्थित है। और इस मंदिर और इस मूर्ति के कारण लोग उस इलाके में पेड़ पौधे को नहीं काटते, पेड़ पौधे को नहीं काटते, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तल्लीनाथ जी के बाद आलम जी, नाम सुनने में तो इस्लामिक लग रहा है आलम जी, और ऐसे कई नाम आपको मिलेंगे, अभी आएंगे, अभी आगे भी देखेंगे नाम आपको मिलेगा। एक बार मैं जयपुर गया था तो वहां पे टैक्सी हायर किया था मैंने, तो मैं और हमारे साथ टैक्सी ड्राइवर बात होने लगी तो नाम पूछा, तो उन्होंने बोला मेरा नाम सुल्तान सिंह है, मेरा नाम सुल्तान सिंह है। और जब आप इसको पढ़ोगे ना, जब इसीलिए कहा जाता है जब ट्रेवल करते हैं ना तो बहुत चीज आप वैसे ही सीख जाते हैं। मैं खाटू श्याम जी गया था, खाटू श्याम जी में हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं, और जिस तरह से चौखट चूमना या अलग अलग चीजें वो कर रहे थे तो वो दिखता था कि कैसे कल्चर मिक्सअप होता है। खैर, हम लोग अभी बात करते हैं आलम जी, आलम जी का नाम सुनिए, जेत मलोट राठौर वंश के थे, है किस वंश के, राठौर वंश के, नाम क्या है आलम जी, ठीक है, तो उससे समझ में आ गया होगा कि सुल्तान सिंह भी नाम होगा, तो आलम जी नाम है, राठौर वंश के हैं, बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश के रारधरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में फेमस है। तो आलम जी ऐसे नहीं है कि पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं, तो खास करके मालानी प्रदेश जो बाड़मेर का है वहां पे इनका नाम ज्यादा चलता है। इसके अलावा आलम जी का घोड़ा यानी इनका थान, थान का मतलब स्थान जहां पे पूजा होता है, जहां मंदिर होगा इनका, वहां वो जो है ढांगी नामक रेतीले टीले पे, ठीक है, ढांगी नामक रेतीले टीले पे है, और भाद्र पक्ष शुक्ल दूज यानी भाद्र पक्ष का जो द्वितीय होता है ना, शुक्ल पक्ष का, उसमें वहां मेला क्या होता है, भरता है, मेला भरता है, इट मीन्स मेला लगता है, क्लियर। इसके बाद क्या है, बीर बग्गा जी, बीर बग्गा जी, बीर बग्गा जी जो है, अब देखिए मैंने अभी बोला था ना और भी नाम मिलेगा, देखो नाम कैसे मिल रहा है, बीकानेर में इनका जन्म हुआ, बीकानेर के रीडी में इनका जन्म होता है, पिता का नाम, और ये जाट, पिता का नाम जाट कृषक राव महन, और माता का नाम पता है सुल्तानी, इस्लामिक नेम लग रहा है ना, माता का नाम सुल्तानी, ये बड़ा ही कॉमन है और ये ब्यूटीफुल कल्चर है राजस्थान का, माता का नाम सुल्तानी, इनको गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए जाना जाता है। और कमाल की बात है जिस तरह से मैक्सिमम देवता वहां पे नागवंश से आपको मिलेंगे बिलोंग करते हुए ऐसे भी, और मैक्सिमम लोग जो है देवता जो है ना वो बहादुर योद्धा टाइप के देवता है, गौ रक्षा करते हुए मिल जाएंगे, वो भी इसमें भी वही आते हैं। और मुस्लिम आक्रमणकारियों के टाइम में महिलाओं की भी रक्षा किया था, इसके कारण इनको लोक देवता के रूप में मतलब लोक देवता का जगह दिया गया। और खासकर जाखर समाज में, जाखर समाज में ये कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। तो बेसिकली वीर बग्गा जी को जाखर लोग ज्यादा पूजते हैं और जाट से ये बिलोंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बुढ़िया बाबा, ये थोड़ा सा इसके इनके साथ मतलब कई सारी कहानियां हैं बुढ़िया बाबा की, उसको हम लोग देखते हैं। ये जो बुढ़िया बाबा है ना, इसको सबसे अधिक मीना ट्राइब के लोग उनका मतलब उनकी पूजा करते हैं। देखिए दक्षिणी राजस्थान में जो गौड़वाड़ क्षेत्र है वहां मीना आदिवासियों के ये कुल देवता है। तो बेसिकली मीना आदिवासियों के द्वारा बुढ़िया बाबा की पूजा की जाती है। इनको भगवान शिव का एक रूप माना गया है, शिवलिंग के रूप में भी ये मंदिर के अंदर रहते हैं। गोमतेश्वर महादेव जिसको बुढ़िया बाबा या गौतम बाबा भी कहते हैं, उस रूप में काफी फेमस मंदिर कहां बना है, तो ये फेमस मंदिर जो है अरावली पर्वत की, अरावली पर्वत का ही रेंज है, राजस्थान का जो सिरोही जिला है उसके चोटीला जिसको चंदीला गांव भी कहते हैं उसी के पास बनाया गया है, यानी सिरोही जिला में। और किसने बनाया, तो मीनाओं ने बनाया है, मीनाओं का ही ये बनाया हुआ मंदिर है क्योंकि उनके ये इष्ट देव माने जाते हैं, और सिरोही के चंदीला गांव में इनका मंदिर बनाया गया है।
उसी के पास से एक नदी गुजरती है, उसका नाम है सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी जो है उसको हम पतित पावनी गंगा भी कहते हैं, यानी उसको गंगा नदी से कंपेयर किया जाता है। यहां पे ये एक रिचुअल है, वो रिचुअल ये है सुकड़ी नदी का, कि सुकड़ी नदी में मतलब जो भी कोई जिस समय मेला लगता है उस समय जब लोग जाते हैं तो अस्थियां लेके जाते हैं, या कोई अगर हड्डी है तो वो हड्डी अस्थियां इन सबको जमा कर लिया जाता है और यहां पे मेले के टाइम में उसको इसी सुकड़ी नदी में प्रवाहित किया जाता है, जैसे अस्थियां प्रवाहित होती है ना गया में और इन सब जगह पे, तो ये सुकड़ी नदी में किया जाता है। इसके अलावा यहां गौतम ऋषि का आश्रम है। मामला फंस गया, बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। जब आप लाक्षागृह खोजने जाएंगे ना महाभारत वाला, कहीं बहुत सारे जगह पे मिलेगा। महाभारत का अज्ञातवास खोजने जाएंगे ना, कहीं सारे जगह पे मिलेगा। जब अहिल्या, गौतम ऋषि और अहिल्या की कहानी याद ही होगी, जब गौतम ऋषि और अहिल्या की कहानी ढूंढने जाएंगे ना, तो बिहार में तो वैसे ही दो जगह मिल जाएगा, एक मधुबनी में और दूसरा बक्सर में। बक्सर वाले कहते हैं हमारा ओरिजिनल है, मधुबनी वाले कहते हैं हमारा ओरिजिनल है। इसके अलावा भी कई और जगह पे हैं, उसी में से एक जगह ये भी है कि इस जगह पे गौतम ऋषि का आश्रम है, यहां पे अहिल्या और अंजलि की प्रतिमा है, यहां पे जो ये बाबा हैं वो शिवलिंग के रूप में है। अब बताओ कि यहां भी अहिल्या और गौतम ऋषि का आश्रम कैसे हो सकता है, कोई ना कोई एक ही जगह होगा ना, तो ये सारा कंफ्यूजन है अभी। तो बुढ़िया बाबा वहां पे शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इसके बाद 13 अप्रैल से 15 मई के बीच में वहां पे मेला लगता है, एक लंबा टाइम है मेला लगता है। अब ये जो मेला लगता है यहां पे एक है गंगा कुंड, कहा जाता है कितना भी सूखा पड़ जाए, कितना भी सूखा पड़ जाए ये गंगा कुंड कभी नहीं सूखता, और उसके आसपास भी अगर थोड़ा भी गड्ढा करें तो पानी निकल के आ जाता है। इसके अलावा गोमतेश्वर महादेव का एक और फेमस जगह है, वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अरनोद कस्बे में। अरनोद कस्बे में भी वहां पे है। वहां पे क्या है कि लोग क्यों जाते हैं, लोग पाप से मुक्त होने के लिए जाते हैं, लगता है कि हमने जीवन में कोई पाप किया है, वहां जाएंगे और क्या करेंगे, जो पाप मुक्ति कुंड है ना, जिसको मदागिरी कुंड भी कहा जाता है, इस मदागिरी कुंड या पाप मुक्ति कुंड में अगर वो डुबकी लगा ले तो उसके पहले के सारे पाप खत्म, अब नया पाप होगा तो नई बार फिर अगली बार आएंगे। वहां भगवान शिवलिंग, वहां शिवलिंग है एक, वो खंडित है, वो टुकड़े में है और वहीं पे रहता है। वहां पे मेला हर साल वैशाख शुक्ल 11 से ज्येष्ठ कृष्ण 2 तारीख तक मेला लगता है, द्वितीया तक मेला लगता है। तो ये यहाँ पे फैक्ट है बुढ़िया बाबा का, बेसिकली मीना से बिलोंग करते हैं, मीना कम्युनिटी के इष्ट देव है, उन्होंने ही सारा मतलब मंदिर वंदिर जो भी है सो मीना ही अक्सर हम बनाते हैं, तो ये फैक्ट बुढ़िया बाबा से। बीर फत्ता जी, अभी आपने कहानी सुना था ना बीर फत्ते जी का, तो जालौर जिले के साधु गांव में विशाल मंदिर है और भाद्र शुक्ल नवमी को मेला लगता है, जो भी लुटेरे और कोई कोई आते थे उससे अपने गांव की रक्षा करने के लिए बीर फत्ता जी जाने जाते हैं, और फत्ता जी की कहानी अकबर के साथ जो है वो भी सही। बाबा झुंझार सिंह, बाबा झुंझार सिंह, झुंझार जी कह लीजिए, सीकर क्षेत्र में, सीकर क्षेत्र के इलमोहा गांव में राजपूत परिवार में जन्मे हैं, ठीक है, राजपूत परिवार में जन्मे हैं। कौन? बाबा झुंझार सिंह। और मुस्लिम लुटेरे से गांव की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, इसी सम्मान में उनको कुल देवता, ग्राम देवता की उपाधि दी गई। रामनवमी में होता क्या है, हर साल रामनवमी में इमलोहा गांव जहां पे उनका जन्म हुआ था और जहां उन्होंने अपने प्राण को त्यागा यानी निर्वाण लिया, उस जगह पे हर रामनवमी को मेला लगता है। और थान का मतलब क्या, स्थान, जो उनके पूजा करने का जगह, दैट इज स्थान, स्थान, वो खेजरी पेड़ के नीचे ही अक्सरहा होता है, और भी जगह हो सकता है बट मोस्टली खेजरी पेड़ के नीचे ही आप उसको देखेंगे। तो ये है बाबा झुंझार सिंह, झुंझार सिंह। इसके बाद वीर पनराज जी, वीर पनराज जी को भी कुल देवता का दर्जा दिया गया है। जैसलमेर, देखो क्या लिखा है, जैसलमेर गौ भक्त पनराज जी राहड़, जैसलमेर के नगा गांव में क्षत्रिय परिवार में यानी राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ, और इनको गाय के प्रोटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है, गाय के रक्षा करने के रूप में भी जाना जाता है। मुसलमानों से गाय को, मुसलमान लुटेरों से गाय को बचाते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे,
और इसीलिए इनको कुल देवता का दर्जा दिया गया। और पंद राजासर गांव में जो जैसलमेर के अंदर है, देखिए यहां लिखा हुआ है जैसलमेर के अंदर है, वहां साल में दो बार मेला भरता है। भरता है मतलब मेला लगता है, ठीक है, मेला लगता है। इसके अलावा हरी राम जी बाबा यहां भी सांप निकल के आ गए, इसके ऊपर बाबा है, यहां भी सांप निकल गए और बाबा है इनके साथ। फैक्ट ये है कि हम लोग अगर हरी राम जी बाबा की बात करें, सबसे पहले इनके पिता का नाम राम नारायण, माता का नाम चंदनी देवी, इतना याद मत कीजिएगा, पढ़ाना है तो आपको बताना भी है ना, चंदनी देवी। शेखावटी क्षेत्र में ये ज्यादा फेमस है, शेखावटी क्षेत्र, राजस्थान को अलग अलग क्षेत्रों में मारवाड़ शेखावटी इन सब में बांटा गया है। शेखावटी क्षेत्र में चूड़ू सीकर नागौर झुंझुनू इन सब इलाकों में इनको अधिक मान्यता दी गई है। ये एक तरह से सांपों, जिसको सांप काटता था ना उसका इलाज किया करते थे, ठीक है, सांप काटता था तो इलाज किया करते थे। सुजानगढ़ नागौर रोड पर झोड़रा एक गांव है जो चूरू के अंदर पड़ता है, वहां इनका मंदिर है। इस मंदिर के अंदर है क्या, इस मंदिर के अंदर ये सांप फन निकाले हुए, यानी सांप की बॉम्बी, यानी सांप का ये जो फन है वो है, और दूसरा बाबा के प्रतीक के रूप में उनका चरण है, ठीक है। तो सांप की बॉम्बी और बाबा का प्रतीक चरण क्या है, तो वो जो चरण होता है वो है, और इनका मतलब सांप का इलाज किया करते थे, और यहीं पे हर साल मेला लगता है। तो ये है बी, ये हरी राम जी बाबा की बात है। केसरिया कुंवर जी की बात करते हैं। केसरिया कुंवर जी जो हैं वो गोगा जी के बेटे हैं। अब गोगा जी कौन है ये मत पूछना, गोगा जी के बेटे हैं। अब देखो इनका भोपा, भोपा का मतलब भोपा आया फिर, यानी इनका पुजारी, इनका जो पुजारी होता है जिसको भोपा कहते हैं, सांप काट, जिसको भी सांप काट लेता है उसका जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाल देते हैं, ऐसी इनकी उनके ऊपर कृपा है, ठीक है, इनके ऊपर कृपा है। और इनका थान, थान का मतलब स्थान जहां पूजा होता है, उस थान में सफेद रंग का ध्वज आपको लहराता हुआ दिखेगा, सफेद रंग का ध्वज वहां पे फहराया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका छोटे छोटे देवता है भूमिया जी, ये भूमिया जी जो है वो राजस्थान के अलग अलग गांव में ना, ओ सॉरी ये लाइन गलत हो गया, ये तो उनका था ना, भूमिया जी है ना, बस इतना ही, अलग अलग गांव में जो जमीन है, भूमि है, उसके रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, ये है भूमिया जी, ठीक है, ये इस तरह से स्टैचू बनता है उनका। तो भूमिया जी अलग अलग गांव में भूमि के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, उस लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उसके बाद रूपनाथ झर्रा जी, बात करें रूपनाथ झर्रा जी की, ये इमेज देख के आपको बालकनाथ की याद आ रही है ना, जो गुरु बालकनाथ है। अब देखिए कैसे रिलेट होता है फैक्ट्स। रूपनाथ झर्रा जी, देखिए पाबू जी का नाम सुना है देवता, पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के बेटे हैं ये, ये जो रूपनाथ जी हैं पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के बेटे हैं, और इनकी हत्या कर दी जाती, तो उस गुस्से में इन्होंने जो हत्या हत्यारे थे जिंदराव खींची, दोनों की हत्या हो जाती है, तो उसके हत्यारे जिंदराव खींची को ये मार देते हैं। इनके पिता और चाचा की जिसने हत्या की उसको इन्होंने मार दिया। और इनका जो मंदिर है वो कोलुम मंडल जोधपुर के पास एक पहाड़ी पर है, दूसरा बीकानेर के सिंधु दरा जो नोखा मंडी है वहां पे इनका प्रमुख स्थान, यानी प्रमुख स्थान यानी पूजा का जगह है, ठीक है। और जो ये आप देख रहे हो ना बालकनाथ, तो हिमाचल में इन्हीं को बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, हिमाचल में इन्हीं को बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, और बालकनाथ को भगवान शिव का एक रूप कहा जाता है। तो इस तरह से रूपनाथ जो है, रूपनाथ जी हैं वो फेमस हो गए। इसके बाद डूंगर जी जवाहर जी दोनों भाई शेखावटी क्षेत्र में करते क्या थे आपको मालूम है, दोनों भाई रॉबिन हुड का काम करते थे। शेखावटी क्षेत्र में जो अमीर लोग थे उनसे पैसे लूट लेते थे, गरीब लोगों में, जरूरतमंद लोगों में बांट देते थे उसके कारण। और साथ में 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये मदद करने के कारण गरीब लोगों को इनको लोक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, और आज के डेट में ये लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो अभी आपने लोक देवता को देख लिया,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोक देवी को कवर करेंगे। क्लियर यहां तक? आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लोक देवता आपके पंच देवता भी मारवाड़ वाले हो गए, और अब बियॉन्ड इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, इसी में से कहीं ना कहीं लोक देवता से रिलेटेड सवाल होंगे। फैक्ट सारे आपके साथ डील कर दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो।